सुजी मंडा, सुजी पिठा, छणा पिठा, छणा मंडा, छणा काकरा, काकरा पिठा, बहुत ही सारे नामों से जाना जाता है इस डिश को उड़ीसा में। ये उड़ीसा की बहुत ही ऑथेंटिक डिश है जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ऑथेंटिक आहार में। आज की ये रेसिपी सूजी मंडा बहुत ही फेमस है उड़ीसा में और किसी भी स्पेशल ओकेजन पर या फिर फेस्टिवल पर या फिर पूजा में भोग लगाने के लिए इसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और उसमें मैंने नारियल डाल दिया है ग्रेट कर। मैंने यहाँ 250 ग्राम नारियल लिया है। इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे। बाद में मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है 150 ग्राम। देखिए, आपको गुड़ को इसके साथ अच्छी तरह मिला लेना है। आप गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर एक ट्रिक ये है कि आप गुड़ को माइक्रोवेव में 15 से 20 सेकेंड रख देंगे तो वो नरम हो जाएगी। देखिए, अच्छी तरह से गुड़ मिल चुका है अब नारियल के साथ। इसे हम 1 से 2 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसके बाद हम 7 से 8 इलायची ले लेंगे और इसे कूट कर हम इसके साथ डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून और अदरक भी खिसकर थोड़ा डाल सकते हैं। कई लोग कर्पूर भी डालते हैं खाने वाला, लेकिन मैं बस इन इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है। देखिए, ये बनके तैयार है स्टफिंग, तो इसे साइड पे रखते हैं ठंडा होने के लिए। मैं आगे 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं 3 कप पानी लूँगी। आप जितना सूजी लें उसका 2 गुना पानी आपको यहाँ पर ले लेना है एक कढ़ाई में। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कप पानी ले लिया है। अब इसे मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पर। जब ये पानी गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप चीनी। हम यहाँ पे चीनी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा आउटर कोट हो उसमें थोड़ा सा स्वाद रहे, साथ ही जब आप इसे तलेंगे तो उसमें अच्छा कलर आ जाएगा। अब मैं इसे ढककर 1 उबाल आने तक पकाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। देखिए, 1 उबाल आ चुका है तो अब ढक्कन हटा देंगे। यहाँ पर मैं 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको सूजी को धीरे धीरे ऊपर से डालना है। दूसरी तरफ आपको स्पून को कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि आपके सूजी में लम्स ना बने। देखिए, इसी तरह से आपको लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सूजी एक साथ आ रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बन चुकी है? जब आप उंगलियों के बीच में सूजी को लेकर दबाएंगे तो उससे दाने नहीं दिखेंगे। देखिए, इस तरह से, तो मतलब ये तैयार है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये नरम हो सके। देखिए, ये तैयार हो चुकी है। अब हमारी सूजी भी तैयार है और इधर स्टफिंग भी तैयार है। चलिए, अब हम सूजी के मंडा पिठा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूजी थोड़ा सा कढ़ाई से ले लिया है और वापस हम कढ़ाई को ढक देंगे ताकि बाकी की जो डो है वो सूख ना जाए। इसे हमें लगातार नीट करना है। बीच बीच में हमें हाथ में थोड़ा सा पानी ले लेना है, ज़्यादा नहीं लें, बस थोड़ा सा, और इसे लगातार इसे नीट करना है ताकि हम एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर सकें। देखिए, कुछ इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे डो एक साथ आ रहा है और स्मूथ हो चुका है। बस अब इसे आपको इक्वल पोर्शंस में बांट लेना है। फिर आपको उंगलियों में पानी लेकर अंगूठे और उंगली की मदद से इसे घुमा घुमा कर कटोरी का शेप दे देना है। देखिए, कुछ इस तरह से। इसमें फिर हमने जो नारियल का स्टफिंग बनाया था उसे डाल देंगे। अब हम अंगूठे और उंगली की मदद से इसे घुमाएंगे एक हाथ पर रखते हुए और चारों तरफ से थोड़ा सा दबाते हुए ऊपर की तरफ डो को लेते हुए इसे हमें बंद कर लेना है। देखिए, एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल देंगे। फिर हमें दोनों हाथ की मदद से जैसे हम लड्डुओं को बनाते हैं वैसे बना के थोड़ा सा दबा देंगे और पेड़े का आकार दे देंगे। बस इसी तरह से मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ। उंगलियों के और अंगूठे के बीच लेकर इसे कटोरी का शेप दे देंगे, बीच में फिलिंग डाल दें, फिर अंगूठे और उंगली की मदद से इसे दूसरे हाथ पर घुमाते हुए ऊपर की तरफ डो को ले लें, एक्स्ट्रा निकाल दें, लड्डू का शेप दे दें, पेड़े की तरह दबा दें और ये देखिए बनके तैयार है। इसे आप कोई भी शेप देख सकते हैं। हम लोग कभी कभी इसे चांद का भी शेप देते हैं, तो उसके लिए आपको उंगली और अंगूठे की मदद से इसे फ्लैट बना लेना है थोड़े रोटी के आकार का, और बीच में आपको स्टफिंग दे देना है इस तरह से,
और इसे दोनों हाथों के बीच लेके दबा देना है। इसका मुंह सील कर देंगे इस तरह से, और अच्छी तरह से इसका एक शेप देने के लिए हमें साइड से इसको ट्विस्ट कर लेना है। फोल्ड एंड ट्विस्ट, फोल्ड एंड ट्विस्ट, इसी तरह से करते हुए आपको शेप दे देना है। याद रखें, आपको तेल चढ़ा देना है इस टाइम पर पीठा को गढ़ते वक्त, ताकि तेल गर्म हो सके, क्योंकि अगर आप पीठा को ज़्यादा देर प्लेट पर रखेंगे तो ये चिपक जाएगी। तो इधर देखिए, तेल भी गर्म हो गया है मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डो डाल के रखा और वो ऊपर आ रहा है। तो अब आप इसे धीरे धीरे से एक एक करके सूजी पीठा को आपको तेल में डाल देना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें ताकि ये जले ना, और आपको बहुत पेशेंटली इसको तलना है। देखिए, जब एक साइड होने लग जाए तो बहुत सावधानी से इसे आपको पलट लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये पिठा बहुत ही क्रिस्प बनती है बाहर से, और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनती है। तो ये एक तरफ से बन चुकी है, दूसरी तरफ मैंने पलट दिया था। अब देखिए, इसका कलर परफेक्ट आ चुका है। जब इसका कलर इस तरह का हो जाए तो आपको इसे तेल से निकाल लेना है। तो मैंने इसे तेल से निकाल लिया है और इसे मैं प्लेट पर निकाल रही हूँ। याद रखें, आपको तलते वक्त ही दूसरी तरफ पिठा को बनाना है और बाद में इसे डाल देना है। ज़्यादा देर प्लेट पर ना रखें, नहीं तो ये चिपक जाएगी और फिर टूट जाएगी और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने सारे पिठा को तल के तैयार कर लिया है। एक साइड जब हो जाए तब दूसरी तरफ आपको पलट लेना है, और जब इसका कलर गोल्डन हो जाए तब आपको इसे निकाल लेना है प्लेट पर। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। उड़ीसा की स्पेशलिटी या फिर ऑथेंटिक डिश बोल लीजिए। तो ये सारे पिठा मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए, मैं आपको इसे एक तोड़ के बताती हूँ। आई होप आपने इसका क्रंच सुना होगा, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप चाहते हो कुछ अलग टाइप का भूख लगाने के लिए, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी बनती है, ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी और नरम। और मुझे बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक अलग और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।